गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4, फूड फॉर अस, पार्ट 2, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. स्टूडेंट, देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ फूड: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. दीज 3 टाइप्स ऑफ फूड आर मेनली our food. Listen, first of all we will read about energy giving food. Student, foods like wheat, potato, rice, butter, sugar, bread, ghee give us energy to work and play. Student, I am telling to you energy giving food. Student, if you want to get a lot of energy, so first of all you have to eat energy giving food like wheat potato rice, butter and sugar, bread, ghee. ये जो food है ये हमारी body को क्या give करता है? Energy give करता है. अगर आपको किसी भी चीज़ में अच्छी तरह से energy लेनी है कि मेरा तो ये काम फटाफट हो जाए, मेरे को तो कभी tiredness feel ही ना हो, तो आपको अपने food में ये all things जो हैं वो आपको इंक्लूड करनी ही होगी. यू हैव टू इंक्लूड इट. ओके, लिसन, व्हाई? बिकॉज दे गिव अस एनर्जी. ये हमें एनर्जी गिव कर रहे हैं वर्क करने में और प्ले करने में. और स्टूडेंट लाइफ में तो ये चीज़ हमारे को ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसके अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उसमें प्ले भी करते हैं और हम उसमें वर्क भी करते हैं. ओके, एंड सेकेंड इज लाइक दिस, बॉडी बिल्डिंग फूड. वी विल रीड अबाउट बॉडी बिल्डिंग फूड. Foods like egg, milk, fish, dal, meat, beans, pea, paneer, soya bean, nuts help us to build and maintain our body. Listen student, bodybuilding food जो होता है like this egg, milk, fish, dal and nuts, ये हमारी body को build and maintain करता है. Suppose करो कभी हमें ग्राउंड के अंदर हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते हमें हम हर्ट हो गए, लाइक दिस है हमारे जो है क्या कहते हैं हमारे लाइक दिस है वुंड्स, एक ऐसा सपोज करो इस तरह का वुंड्स हो गया, लाइक दिस है कोई घाव हो गया, सपोज करो है ना वुंड्स हो गया. तो सपोज लिसन, अगर हम हमारे फूड में ये लाइक दिस है बॉडी बिल्डिंग फूड जो मैंने अभी आपको बताया था, इन सभी चीज़ों को हम लेते हैं हमारे फूड में, तो हमारे जो चोट लगी थी, हमारे को जो भी जहाँ पर भी चोट लगी है वो हमारी जल्दी से वो वहाँ पे ठीक हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी. तो इसलिए स्टूडेंट, जो ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है वो हमारी हेल्प करता है टू बिल्ड एंड मेंटेन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को मेंटेन करने में भी. ओके, और जो भी हमारी बॉडी में अगर कभी हमें बाय मिस्टेक हर्ट वगैरह हो जाता है, हमें चोट लग जाती है, तो ये जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ये हमारी बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव फूड. स्टूडेंट, प्रोटेक्टिव फूड मीन्स प्रोटेक्ट से ही समझ में आ रहा है, प्रोटेक्ट लाइक दिस दैट सुरक्षा, प्रोटेक्टिव फूड. फूड लाइक जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल जो होते हैं स्टूडेंट, ये हमारी प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम डिजीज, जो हमें मैंने अभी आपको पहले सब रीड करवाया था. लिसन, डिजीज यानी बीमारी में. अगर आप सपोज करो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर आप वेजिटेबल ईट करते हो और वन फ्रूट एवरी डे आप अपनी डेली डाइट के अंदर इंक्लूड करते हो, तो आप बेटा जल्दी से आप जो है बीमार नहीं पड़ोगे. आप कभी भी आपको कोई भी चीज़ जल्दी से डिजीज़ जो है आपको डिजीज़ कैच नहीं करेगी. लाइक दिस लॉट ऑफ स्टूडेंट है प्रॉब्लम होती है उनको कभी, लाइक दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, कोल्ड, स्टमक एन, लाइक दिस लूज मोशन, वॉमिट वगैरह, एक्स वाई जेड लाइक दिस टाइप उनके पास बहुत, वो हमेशा ही कहते हैं मैम आई एम नॉट फीलिंग बेटर. आपने सीख किया है ना, अपने क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, वो जैसे ही स्कूल में आते हैं आने के बाद कहते हैं मैम आई एम नॉट फीलिंग बेटर, मैम आई वांट टू गो होम, फिर देन मैम आस्क टू हिम एंड हर बेटा व्हाट इज प्रॉब्लम यू हैव, तो दे विल से यस मैम आई एम नॉट फीलिंग बेटर बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैम आई हैव हैड इट, स्पीक करते हैं. तो अगर बेटा आप अपनी फूड डाइट के अंदर एवरी डे आप अपने फूड में सॉरी आप अपने डाइट के अंदर फूड के अंदर प्रोटेक्टिव फूड लाइक दिस टाइप आपको वेजिटेबल भी ईट करनी है और उसको इंक्लूड भी करना है, और आपको एवरीडे वन फ्रूट तो जरूर खाना है अगर आपको बीमार नहीं होना.
नहीं चाहते ना बीमार होना, सब अच्छा चाहते हैं, सब अच्छा फिट एंड फाइन रहे। बीमार होते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें मेडिसिन गिव करेगा, इंजेक्शन गिव करेगा, तो मेडिसिन तो कोई लेना ही नहीं चाहता, ना। तो लाइक दिस टाइप, अगर आपको फिट एंड फाइन रहना है तो आपको हमेशा वेजिटेबल खानी है। और लिसन, आपको हमेशा अपने डाइट के अंदर एवरीडे होल डे के अंदर आपको वन फ्रूट तो जरूर ईट करना, इट इज़ कंपल्सरी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, लिसन टू स्टूडेंट, आई टोल्ड टू यू द थ्री काइंड्स ऑफ फूड। ओके, यू आर टू कीप थिंग्स इन योर माइंड ऑल कि व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड एंड व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड व्हाट इज प्रोटेक्टिव फूड। डू यू नो एनर्जी गिविंग फूड विथ पोटैटो राइस बटर एंड बॉडी बिल्डिंग फिर एग मिल्क फिर दाल एंड नट एंड प्रोटेक्टिव फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल। ओके, नेक्स्ट वन इज वी विल रीड अबाउट बैलेंस्ड डाइट। स्टूडेंट, ये आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ फूड है जो अभी मैंने आपको अंडरस्टूड करवाए थे। लिसन, बैलेंस डाइट मतलब होता है स्टूडेंट, सपोज करो हम कोई चीज़ ईट कर रहे हैं, ओके हम कोई चीज़ ईट कर रहे हैं, सपोज लाइक दिस, मुझे तो एनर्जी गिविंग फूड, सपोज करो ये पोटैटो है, मुझे तो पोटैटो का जो पराठा होता है वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे पोटैटो का पराठा जो होता है बहुत अच्छा लगता है, सपोज करो। अब मैं तो लाइक दिस है, मम्मा ने आज मॉर्निंग में पोटैटो का पराठा बनाया तो मैं उसको मॉर्निंग में ईट कर रही हूँ। अब मैं कह रही हूँ अरे मेरे को तो ये लाइक दिस टाइम मैंने ब्रेकफास्ट में तो पोटैटो पराठा ईट किया, अब मैं कह रही हूँ लंच मम्मा मेरे को लंच में ही पोटैटो का पराठा खाना है। ओके भाई, ठीक है। अब लाइक दिस टाइम एट नाइट जब हम डिनर लेते हैं, जब भी आप करो पोटैटो पराठा, अरे इससे क्या होगा, आपने क्या किया इसके, आपने एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी वाला फूड तो ले लिया, लेकिन आपने पूरे होल डे के अंदर अपने आपने बॉडी बिल्डिंग फूड तो लिया ही नहीं, बॉडी बिल्डिंग फूड तो आपने ईट ही नहीं किया, ना आपने प्रोटेक्टिव फूड ईट किया, इससे क्या होगा, आपके तो होल डे का जो रूटीन हो पूरा ही डैमेज हो जाएगा, पूरा ही खराब हो जाएगा। लिसन, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना बेटा। जो चीज़ आपको लाइक है, जो डिसलाइक है, जिसको आप पसंद भी करते हो, जिसको नहीं भी पसंद करते आप, ठीक है, लेकिन आपको आपकी एवरी डे पूरे होल डे के अंदर आपको ये थ्री टाइप्स ऑफ जो फूड होते हैं इन सबको खाना है। लाइक दिस, आपको उसमें एनर्जी गिविंग फूड लाइक वीट है, वीट की चपाती आप खाते हो, और एक्स वाई जेड भी आप कुछ ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो, लेकिन बॉडी बिल्डिंग फूड में जैसे आपको पता है आपको एग नहीं ईट करते तो आप मिल्क तो करते हो ना, ड्रिंक मिल्क लो। नेक्स्ट वन इज आप फिश नहीं ईट करते तो आप दाल ईट करते हो, दाल लो। और आपके पास चीज़ जैसे बीन्स हैं लाइक पनीर, पनीर लो, सोयाबीन ले सकते हो आप, नट्स ले सकते हो, आपको ये भी लेना है होल डे में। और आपको फ्रूट और वेजिटेबल तो लेनी ही लेनी है। तो लाइक दिस टाइप वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब स्टूडेंट ये होता है, ऐसा नहीं होता कि हम एक एनर्जी गिविंग फूड लेके तो हम तो यूं हो गए। सपोज करो अब मेरे अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, बाकी चीज़ मैंने ली नहीं तो मेरे बाकी चीज़ मेरे बॉडी में कहाँ से आएंगी, नहीं आ पाएंगी। तो इसीलिए बैलेंस डाइट का मीन्स होता है बेटा अ बैलेंस मील कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट काइंड्स लाइक दिस थ्री टाइप्स ऑफ फूड इन राइट अमाउंट। हमान को इनको राइट अमाउंट में ईट करना चाहिए, लाइक दिस, ओके बैलेंस डाइट। ओके, लाइक दिस टाइप बैलेंस डाइट का मीन्स होता है वी शुड ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड इन ए बैलेंस मैनर। ओके, इन ए बैलेंस मैनर इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, उसको हम क्या स्पीक करते हैं, बैलेंस डाइट। ओके, वी विल रीड अबाउट मिल्क। स्टूडेंट, मिल्क जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। लिसन, मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोविंग चिल्ड्रन। जो बच्चे बेटा ग्रोविंग कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो मिल्क बहुत जरूरी होता है। लाइक आप लोग जैसे कि आप लोगों को तो मिल्क जरूर ड्रिंक करना है, यू हैव टू ड्रिंक मिल्क बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी, बिकॉज आप ग्रोविंग हो रहे हो, आप बढ़ रहे हो। अगर आप अपने डेली लाइफ में मिल्क को नहीं ड्रिंक करोगे तो आप जल्दी से ग्रो नहीं हो पाओगे। ओके, लिसन, इसीलिए आपको मिल्क जरूर ड्रिंक करना है। अब वो कैसे, लिसन क्यों करना है, लिसन मिल्क मेक टीथ, देखो बेटा ग्रोविंग के साथ साथ जो मिल्क होता है वो हमारे टीथ एंड जो अभी मैंने आपको बोन्स बताए थे वो उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन बनाता है, मिल्क। ओके, हु मेक्स टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, टेल मी आंसर, योर आंसर इज मिल्क, यस। नेक्स्ट वन इज बेटा हैव एट लीस्ट टू ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। आपको पूरे होल डे के अंदर, पूरे डे के अंदर आपको 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे ड्रिंक करने चाहिए इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो। अगर आपको ग्रो होना है, लिसन, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक आपके टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको सबको करने हैं टीथ और बोन्स स्ट्रॉन्ग करने हैं ना, यस yes. तो आपको सबको बढ़ना भी है तो बेटा यू हैव टू ड्रिंक मिल्क। हाउ मेनी ग्लासेस, लिसन,
टू ग्लास, ओके, हैव एट लीस्ट, कम से कम, लिसन, हैव एट लीस्ट टू ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. आपको टू ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे आपको पूरे दिन में, वो आपको कैसे भी ड्रिंक करने हैं, इट इज़ कंपल्सरी, वो आपको करना ही है, ठीक है. क्योंकि आप बेटा ग्रोविंग हो रहे हो, जो ग्रोविंग वाले जो चाइल्ड हो उनको तो मिल्क की बहुत ज़्यादा नीड होती है. ओके, कीप थिंग्स इन योर माइंड, गॉट इट. तो लिसन बेटा, यू आर टू रीड प्रॉपरली, ओके, एंड लिसन, वी हैव नॉट नीड फॉर राइटिंग इन योर नोटबुक. इनको अपन को राइट नोटबुक में राइट नहीं करना है, ओनली ये फॉर रीडिंग के लिए आपका, ठीक है. एच डब्ल्यू, टूडे इज एच डब्ल्यू. चैप्टर फोर, फूड फॉर अस, टूडे इज योर एच डब्ल्यू, हार्ड वर्क, ओके. यस, एनर्जी, प्रोटेक्ट, डिजीज, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, बैलेंस, contain product, important, means, digest, वेस्ट, अनकवर एंड च्यू. यस बेटा, दिस इज योर टुडे एच डब्ल्यू, यू आर टू डू इन योर फेयर नोटबुक. गॉट इट स्टूडेंट? राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. हैव ए नाइस डे स्टूडेंट.